भंडारी जी, पुरोला के मैंडेट में एक बार आपका स्वागत है। उम्मीद है आप हमेशा की तरह जो पुरोला की जनता चाह रही उस पर अपने विचार रखेंगे। अभी जो इस समय ज्वलंत मुद्दा है, यहाँ पर जुलाई माह में 48 घंटे के भीतर 200 पीड़ितों की मौत हुई। उसके बाद हल्का फुल्का जनाक्रोश पनपा पुरोला में, जिसके बाद सरकार भी हरकत में आई, नेता भी हरकत में आए और यहाँ के लिए डॉक्टरों की तैनाती के आदेश हुए, जो कि अभी तक यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया। क्या कहना है आपको? जहाँ तक बात महिला विशेष डॉक्टर की है, तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड इस क्षेत्र की रही है, क्योंकि कई बहनों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी के बड़े नेता होने के बावजूद भी यहाँ पर हम लोग या इस क्षेत्र के लोग एक महिला डॉक्टर की तैनाती नहीं करा पाए। लेकिन काफ़ी सामाजिक आंदोलन के बाद, नेताओं के डिमांड के बाद आखिरकार जो एक महिला डॉक्टर की तैनाती हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जुलाई माह में उस डॉक्टर की नियुक्ति होने के बावजूद भी अभी तक डॉक्टर ने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया है। मुझे लगता है कि जो आंदोलन इस विषय में चल रहा था उसको आगे भी जारी रखने का अभी हमारे पास समय है, ताकि जो महिला डॉक्टर यहाँ पे जो नियुक्त की गई थी वो यहाँ पर ज्वाइनिंग कर पाए। जब ये महिला डॉक्टर की नियुक्ति के आदेश जारी हुए थे, तो उस समय पे जो यहाँ के नेता, उनमें होड़ मच गई थी श्रेय लेने का कि उन्होंने यहाँ के लिए डॉक्टर लाया। नहीं, ये बहुत एक ओछी राजनीति है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन एक जहाँ तक होड़ लेने वाली बात है, श्रेय लेने वाली बात है, तो ये नेता बहुत ऐसे कूद जाते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन जैसे आज सुनने में आ रहा है कि इस डॉक्टर ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये छोटा प्रयास था, बहुत छोटा प्रयास था। यदि बड़ा प्रयास होता, वास्तव में अगर कोई बड़ा प्रयास होता, तो आज के लिए इस डॉक्टर की ज्वाइनिंग यहाँ पर होनी चाहिए थी। जो यहाँ के विधायक हैं राजकुमार जी, उनके द्वारा जो उत्तराखंड विधानसभा है उनमें, जिसमें वो यहाँ की समस्याएं रख रहे हैं नियम 58 के तहत पुरोला में डॉक्टरों की तैनाती की मांग जी, क्या लगता है कि पुरोला का जो विधायक है वो विपक्ष का है और सरकार भारतीय जनता पार्टी? जहाँ तक डॉक्टर की जो मांग थी, महिला डॉक्टर की जो डिमांड थी, वो एक सार्थक पहल है, सार्थक मांग थी। लेकिन दुर्भाग्यवश चाहे विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या अन्य कोई बड़े नेता हो, इतने आंदोलन करने के बावजूद, इतने मांग करने के बावजूद भी अगर यहाँ अभी तक एक महिला डॉक्टर की तैनाती नहीं हो पाई, तो इस क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है।